तस्वीरें हम लगातार प्रदर्शन की भी दिखा रहे हैं। जीत, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, आप बिल्कुल तस्वीर आपको दिखाते हैं, कम से कम दिखाइए सामने, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो तमाम आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बीजेपी कार्यकर्ता बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको फिलहाल देखिए बैरिकेडिंग हम आपको दिखाएंगे, कभी जरा और आगे जूम करके दिखाइए, पुलिस ने उनको रोक दिया है। एक बैरिकेडिंग पार कर दी गई है, दूसरी बैरिकेडिंग पर तमाम इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ना पहुँच पाए। अब ये तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हादसा नहीं है, ये हत्या है, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर जो जिम्मेदार ठहरा है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली और MCD सरकार को, और आगे की जो कार्रवाई पहले की गई होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब जब इसमें देरी हुई है तो इन तीन छात्रों की जान चली गई, और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं घटती रही हैं, और इस पर नाकामी की बात की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली सरकार मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए हैं, उसमें बताया था कि मानसून आने से पहले ही जो तमाम अधिकारियां हैं उनको निर्देश दिए गए, इसको लेकर वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें वो अधिकारियों से बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अधिकारी इस तरीके से बेलगाम है कि उनकी बातें सुनते नहीं है, और यही इसका खामियाजा है कि लापरवाही का इतना जो बड़ा परिणाम है वो हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी चल रही है, इस बीच एक्शन भी लिया गया है। MCD की तरफ से जो वहाँ के कंसर्न लोकल JEE हैं उनको सस्पेंड टर्मिनेट किया गया, साथ ही जो AE है उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी मांग को लेकर के जो है आगे भी एक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिल्ली के नेता हैं, विधायक हैं, और यहाँ पर सांसद भी जो मोर्चा संभाल लिया, कह रहे हैं कि सरकार चल नहीं पा रही है। जितेंद्र भाटी बता रहे हैं कि BJP कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि हादसा नहीं हत्या है, और राजेंद्र नगर में एक तरफ हम ये कार्रवाई भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ करुणा शंकर शर्मा भी, मेरे सहयोगी, लगातार बने हुए सुबह से। करुणा, एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि MCD, क्योंकि MCD भी उसी के अधीन आती है, बांसुरी स्वराज की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इतनी बार शिकायतों के बावजूद भी सिस्टम फेल है, सिस्टम ने कोई सुध नहीं ली, जूं तक नहीं रहेंगी, क्यों आखिर ये लापरवाही सामने आई और उसके बाद जान चली गई छात्रों की, और अब एक्शन दिखाया जा रहा है जान जाने के बाद? देखिए बिल्कुल निधि, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के साथ साथ MCD दोनों जगह पर काबिज है। उस तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां जहां पर अभिजीत और पुनीत मौजूद हैं वहां बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन मैं इस तरफ हूं बैरिकेड की, और ये देखिए पूरे इलाके में बुलडोजर का एक्शन होगा, जहां पर भी अवैध तौर पर निर्माण किया गया है, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक किया गया है। यहां पर छात्र हैं, जिस दिन से हादसा हुआ उस रात से ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग करते नजर आ रहे हैं। अब ये एक्शन शुरू हो गया है, बुलडोजर का एक्शन देख रहे हैं, एजेंसियां जाग गई हैं, क्या बोलेंगे आप? हम बोलेंगे कि प्रशासन सुन ले कान खोल के, हम हारने मानने वाले नहीं है, हम लोग एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट इस दुनिया पूरे हमारे देश को चलाते हैं, हम लोग IAS IPS बनने के बाद में हम ही लोग सिस्टम चलाते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए जस्टिस तो लेके ही रहेंगे। नहीं, अब आपको लग रहा है कि एजेंसियां जाग गई है, वहां पर मैं देख पा रहा हूं बुलडोजर का एक्शन चालू हो गया। ये बहरी प्रशासन जो है ना, वो आज जब तीन दिन से हम लगातार बैठे तब एक बुलडोजर खड़ा किया है, इनके ऊपर शर्म होनी चाहिए, इनको खुद को शर्म होनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये दिखावटी काम ना करें, अगर करना है तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट करें जिसमें तार का, जिसमें अंडरग्राउंड जितनी लाइब्रेरी है। यानी एक्शन पहले, यहाँ पर आप देखिए पोस्टर भी आपको नजर आ रहे हैं, ये नेविन की आपको तस्वीर है, नेविन का पोस्टर जिसके लिए, और साथ ही साथ श्रेया और तान्या को लेकर भी जो पोस्टर है वो बनाए गए, और ये साफ कहा जा रहा है कि हादसा नहीं हत्या। जरा जूम करिए, उस तरफ जूम करिए, कहा जा रहा है कि यह हादसा नहीं हत्या है। आप लोग को क्यों लग रहा है कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है? सर, जब एक सिस्टम में पूरी तरह से पता है कि यहाँ एक फ्लॉ है और वो गिराया जाता है, कॉल जाती है कि ऐसे यहाँ पर दिक्कत है, सर वहाँ पर एक गली में वो सीवर टूटा हुआ है, पिछले 6 महीने से बह रहा था लगातार, और वो जब पूरी तरह से पूरा पानी बाहर आ गया तब हुआ है, और सर हत्या अगर नहीं है तो किस चीज़ को दबाने का काम किया जा रहा है? आप पूछ रहे हैं कि एजेंसी एक्शन में आ गई, हाँ सर मैं बता रहा हूँ एक्शन में आई है, वो एक्शन में आई हमारे खिलाफ, कल तक एक बैरिकेडिंग थी, आज यहाँ पर पीछे भी बैरिकेडिंग हो चुकी है, स्टूडेंट्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा स्मूथली, उनसे इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लाए जाने के वो अंदर ना आ पाए, तो एक्शन हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे सपोर्ट में नहीं हो रहे। अगर MCD दिल्ली सरकार पहले कदम उठाती है, तीन मौतें नहीं होती। अगर पहले कदम उठा लिया होता तो तीन क्या, वो जो एक मरा है पटेल नगर में वो भी नहीं मरता। और मौत कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? पूरी MCD जिम्मेदार है, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है।
अगर अगर पहले कदम उठाया होता तो ये तीन बच्चे लग रहे हैं सिस्टम कुछ काम कर रहा है। आप लोगों के प्रोटेस्ट के बाद दबाव बना है, कोई काम नहीं नजर आ रहा है। ये सब देख रहे हैं तो पीछे बुलडोजर ये चला रहे हैं, ये अभी तोड़ेंगे फिर कुछ दिन में बनाएंगे। हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे गर्मी में बैठकर हम लोग अंदर एसी में बैठकर वो लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये एमसीडी ने हत्या कराया है, ये हत्या कोचिंग वालों ने कराया है, बिना इलीगल लाइब्रेरी चला रहे हैं यहाँ पर। मैं मांग ये करना चाहता हूँ, हम पूरे यूपीएससी जो छात्र हैं एस्पायरेंट हैं इनके तरफ से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि प्राइवेट लाइब्रेरी को बंद किया जाए, अवैध वसूली ये जो करते हैं इतना महंगा महंगा फीस को, और एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी खोली जाए। हम ये चाहते हैं सरकार से मांग। आप क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए। सर जो भी लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में है, हर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सर, तो बेसमेंट की तो सारी लाइब्रेरियाँ बंद होनी जानी चाहिए। एक लाइब्रेरी लेकिन एमसीडी ने 13 ऐसी लाइब्रेरी और जो बेसमेंट का इस्तेमाल हो रहा था उनको सील किया ना। सर सिर्फ 13 नहीं है, आप बस ये करोल बाग ORN की बात नहीं, आप करोल बाग में देखिए, आप पटेल नगर में देखिए, आप मुखर्जी नगर में देखिए, एक एक लाइब्रेरी है 150 बच्चे और 3 फीट से भी कम जगह है अंदर आने या बाहर जाने के लिए। तो कुछ भी भक्त चाहिए, अभी भी कुछ बड़ा हादसा वहाँ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, अभी भी हो सकता है, एक दिन और पानी गिरेगा, हो सकता है आज ORN था, परसों पटेल नगर था, कल हमारा करोल बाग होगा, परसों मुखर्जी नगर होगा, अभी भी हो सकता है सर, फ्यूचर में भी हो सकता है। आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ सर जानते हुए भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हादसा कैसे हो, मर्डर कहा जाएगा सीधे सीधे अगर जानबूझकर कोई काम हो रहा है। और सर जो मर्डर में भी मैं बात कर रहा हूं, ये बोलना है जनसे उसे शिकायत की गई, आंखें मूंद के रखे गए और कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसके बाद ये मौतें हुई है। और सर एक्शन जो लिया जा रहा है मौतों को छिपाने का लिया जा रहा है, ना कि उनको उनके सपोर्ट में आने का। 3 मौतें नहीं हुई है सर, कम से कम 5 से 7 नाम तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर फ्लोट कर रहे हैं कि ये लोग मिसिंग है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर सर जिंदा कोई उस लाइब्रेरी से बचकर जाता तो अपने रूम पर पहुंचता, दोस्तों के पास पहुंचता, कॉल करके बताता भाई मैं बच गया, मैं आ गया, बट वो पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ और छात्र उनके पास ही मैं जाता हूँ। आप बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे, एजेंसी अब एक्शन में आती नजर आ रही है। सर एजेंसी हरकत में आ रही है, बट ये कब तक चलेगा? फिर 1 वीक के बाद इसी तरह हम लोगों ने मुखर्जी नगर का इंसिडेंट देखा है, संस्कृति IAS में जब आग लगा था, अभी भी वहाँ इसी तरह चल रहे। अब हम लोगों को एक कठोर कार्रवाई, एजेंसियाँ कोई सबक नहीं ले रही, कुछ सबक नहीं ले रही है। हाँ, अभी भी क्लासेस चल रही हैं, आज के डेट में भी, आज के डेट में भी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। पानी होगा फिर से यही हादसा होगा। 4 लाइब्रेरी छिप के चल रही है, मैं देख के आया हूँ, 4 लाइब्रेरी चल रही है, अंदर छिपा करके पीछे साइड से चल रही है। आपकी मांग क्या है, मांग की? जबकि सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि ये एक्शन में दिख रही है, मुखर्जी नगर वाले बात इन्होंने रखा है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो था ना, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में एक्शन ली थी और उन्होंने बोला था कि जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी या कोचिंग है जिनमें सेफ्टी नॉर्म नहीं है सबको बंद कर देना चाहिए, और MCD इसी तरह एक्शन में आई थी और सबको तोड़, सब चीज तोड़ फाड़ दी थी और सब बंद था, फिर 1 महीना के बाद सब नॉर्मल, तो वही होगा यहाँ। अच्छा, एक पोस्टर वहां पर मुझे पीछे नजर आ रहा, जरा जूम करिए उस तरफ हरीश, उसमें लिखा हुआ है कि हादसा नहीं हत्याएं हैं, दोषियों को सजा दो। कौन आपको कल्प्रेट लग रहा है, आप मुझे बताइए कौन कल्प्रेट आपको लग रहा है? कल्प्रेट पूरा सिस्टम है, जैसे कि MCD, सबसे पहले तो MCD, उसके बाद में कोचिंग के ये जो लोग हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। MCD 7 गिरफ्तारियां कुल हो गई हैं, हम ये चाहते हैं वो तो होंगी ना साहब, जो कार्रवाइयाँ होनी है लीगल वो तो होंगी, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ अभी ना कोई MCD का प्रशासक आया है, ना MCD का कोई राजनीतिक मेयर पहला नागरिक होती है एक डिस्ट्रिक्ट के, मेयर बात करने नहीं आई, पहले दिन सिर्फ रात में आई, राजनीति चमका के चली गई। ऐसे केसेस में उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना जब हो रही है तो कौन जिम्मेदार होगा? हमारा सबसे बड़ी डिमांड है कि जो जिनकी हत्याएं हुई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाए। कुछ और भी यहां पर छात्र में उनके पास आ रहा, आपके पास भी एक पोस्टर, क्या लिखा है इसमें? जब यहाँ पर इतना हादसा होने के बावजूद भी MCD की इतनी देर हरकत के वजह से यहाँ पर ये 3 लोगों की जान गंवाई है, और अभी भी पूरा का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है, किसी को नहीं पता यहाँ पर कितने लोगों की डेथ पहले ही हो चुकी थी, 3 तो हमारे सामने जो बॉडीज निकली हैं कल 7 बजे से लेके अब तक। यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये डाउट रेज कर रहे हैं, उनकी तरफ से शक है कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग? बैक साइड पे यहाँ पर है ना, 3 लोगों ने यहाँ पर देखा है, 3 एम्बुलेंस अलग से गई थी, उसके बाद भी यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं कराया, बैक साइड से वहाँ पर एम्बुलेंस का रास्ता है, पुलिस ने रात रात के करुणा निकाल दिया। छात्रों का गुस्सा जो है, जो आक्रोश है वो हम देख रहे हैं, और जब एक छात्र कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है तो वो उम्मीद करता है जो सेफ्टी नॉर्म्स हों वो कम से कम दुरुस्त हों, लेकिन इसी में ही ये नाकामी दिल्ली सरकार की MCD की देखने को मिली।